नमस्कार सभी को, मैं प्रिया रावत और मेरे साथ है हरलीन कौर मैम। हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो लेडीज में बहुत कॉमन है, जिसका नाम है PCOD या PCOS। यह एक बीमारी नहीं है बल्कि एक लाइफ स्टाइल है। एक बैड लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हुए ये प्रॉब्लम लेडीज में अक्सर हो जाती है। तो आज हम कुछ ऐसे आसन आपके साथ शेयर करेंगे जिसको नियमित तौर पर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो PCOD और PCOS की प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले आसन के साथ, जिसका नाम है बद्धकोणासन। तो बद्धकोणासन को करने के लिए पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन से हम दोनों लेग्स को वन बाय वन सामने लाते हुए दंडासन में आ जाएंगे। अब इस आसन में हम सबसे पहले अपने बैक को स्ट्रेट करेंगे, स्पाइन को इरेक्ट करेंगे और उसके बाद वन बाय वन अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करते हुए एड़ियों को कोशिश करते हुए जितना हो सके अपने ग्रोइंस के पास ले आएंगे और दोनों टोस को पकड़ते हुए जितना हो सके अपने नीज को डाउन स्ट्रेच करेंगे और नॉर्मल ब्रेथ के साथ यहाँ पर होल्ड करेंगे। यह आसन किस तरीके से PCOD में हेल्प करता है? जब हम इस आसन को करते हैं तो जो हमारा पेल्विक फ्लोर है वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है, हमारे एब्डोमिनल मसल्स पे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है अगर धीरे धीरे एक्सहेलेशन के साथ हम सामने की तरफ झुके तो, और इनहेलेशन के साथ ऊपर। आसन करने में बहुत आसान है बट फायदे बहुत ही अच्छे हैं। अगर रोज इसको थोड़ा थोड़ा हम अभ्यास करना शुरू करें तो PCOD और PCOS की प्रॉब्लम से धीरे धीरे हम छुटकारा पा सकते हैं। चलिए यहाँ से जानते हैं दूसरा आसन जो कि PCOD के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है, सुप्त बद्धकोणासन। सुप्त बद्धकोणासन को करने के लिए हम धीरे से लेट जाएंगे मैट पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने योगा बॉल्स्टर्स का यूज़ किया है। तो बॉल्स्टर्स को किस तरीके से हमने यूज़ करना है? एक बॉल्स्टर्स का यूज़ आप अपने दोनों शोल्डर्स के नीचे रख सकते हैं और दूसरा बोल्स्टर जो है अपने हेड के नीचे। इससे होगा क्या कि आपके पेल्विक फ्लोर की तरफ वेट धीरे धीरे जाएगा और धीरे धीरे आपके पेल्विक फ्लोर की तरफ पेट की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन जो है इंक्रीज होगा। अब यहाँ से वन बाय वन जैसे हमने बैठ के दोनों नीज को फोल्ड किया था वैसे ही अपने दोनों नीज को हम फोल्ड कर लेंगे और जो सर्कुलेशन है धीरे से अपने पेल्विक फ्लोर की तरफ अपने पेट की तरफ धीरे धीरे उसको जाने देंगे। और यहाँ पर आप 2 से 3 बार लंबी गहरे श्वासें लेते हुए अपने पेट को अंदर बाहर अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं और अपने पेट को अच्छे से रिलैक्स करें और धीरे धीरे इन्हेलेशन के साथ दोनों लेग्स को स्ट्रेट करें और शवासन में ले जाएं। चलिए यहीं से तीसरा आसन करेंगे जिसका नाम है उष्ट्र आसन, कैमल पोज। कैमल पोज को करने के लिए अपने दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। कैमल पोज को इनिशियल लेवल पर करने के लिए अपने दोनों हाथों को हम हो सके तो कमर पे अच्छे से सपोर्ट देंगे। इस तरीके से जब हम उष्ट्रासन करते हैं तो हमारी कमर में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है बट हमारा पेट और पेल्विक फ्लोर दोनों ही बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। अब इनहेलेशन के साथ धीरे धीरे हिप को आगे की तरफ पुश करेंगे और अपने शोल्डर्स को जितना हो सके पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से हमारा पेट, हमारा पेल्विक फ्लोर, हमारे थाइज और हिप्स स्ट्रेच हो गए हैं। यहाँ पर नॉर्मल ब्रेथ के साथ हम होल्ड करें और धीरे धीरे वापस आते हुए चाइल्ड पोज में एक बार रिलैक्स कर लेंगे जिससे कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है फिर से नॉर्मल हो जाए। अब आप चाहें तो पूरा उष्ट्रासन भी कर सकते हैं जिसके लिए आप वन बाय वन अपने दोनों आर्म्स को घुमाते हुए अपने हाथों से एंकल्स को होल्ड करेंगे और धीरे से इनहेलेशन के साथ जितना हो सके अपने हिप्स को स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ। अब इस पोस्चर में पहले के मुकाबले आपको ज्यादा स्ट्रेच देखने में मिल सकता है और एक्सहेलेशन के साथ धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। देखा आपने कितना ही सुंदर पोस्चर है और करने में बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। धीरे धीरे अगर आप शुरू करें इन आसनों का अभ्यास करना तो PCOD की अब बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी है जो पेट से हमारी रिलेटेड है वो भी धीरे धीरे आप क्योर कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं अगला आसन कौन सा है। अगला आसन हम परफॉर्म करेंगे शलभासन, जो कि पेट के बल किए जाने वाला एक बहुत ही सुंदर आसन है, बहुत ही सरल आसन है। शलभासन को करने के लिए
यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने दोनों हाथों को आप अपने थाइस के नीचे ले आएंगे और वन बाय वन अपने लोअर बैक को टाइट रखते हुए राइट लेग को लिफ्ट करेंगे, एक्सहेल के साथ डाउन ले आएंगे, फिर धीरे से इनहेलेशन के साथ अपने लेफ्ट लेग को लिफ्ट करेंगे, एक्सहेल के साथ डाउन ले आएंगे। जब आप एक एक लेग से इस पोस्चर को परफॉर्म करना सीख जाएं, तो धीरे से आप अपने दोनों लेग्स को भी लिफ्ट कर सकते हैं। इस पोस्चर में आपको हल्का सा स्ट्रेच लोअर बैक की तरफ बढ़ेगा, जिससे कि आपके पेट के मसल्स बहुत अच्छे से टाइट हो जाएंगे। एक्सहेल के साथ धीरे से डाउन ले आएंगे और यहाँ से बॉडी को उठाते हुए चाइल्ड पोज में रिलैक्स करें। और धीरे धीरे वज्रासन में आए। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट आसन की तरफ, जिसका नाम है प्रसारिता पादुतानासन, जिसको कि खड़े होकर किया जाता है। प्रसारिता पादुतानासन को करने के लिए दोनों पैरों में 4 से 5 फीट का गैप लेंगे और कोशिश करते हुए अपने पंजों को थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आपका जो वेट है, कोशिश करते हुए माउंट ऑफ द फीट हील्स की तरफ हम रखते हुए अपने पंजों को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इनिशियल लेवल पे करने के लिए दोनों आर्म्स को हम स्ट्रेच करेंगे और यहाँ पर अपनी रीढ़ को यानी स्पाइन को खींचते हुए हाफ फॉरवर्ड बेंडिंग में आएंगे। इस पोजीशन में आपका स्पाइन, आपका पेट और आपके हिप के मसल्स, आपके लेग्स के मसल बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे एक्सहेलेशन के साथ अपने दोनों हाथों का सपोर्ट पैरों के बीच में रखेंगे और एल्बोज को फोल्ड करते हुए एक्सहेलेशन के साथ जितना हो सके, जरूरी नहीं है इनिशियल लेवल पर आप अपना हेड मैट के साथ टच कर लें, पर जितना हो सके आपने अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करना है, अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेच करने की कोशिश करना है। इनहेलेशन के साथ सेंटर पोजीशन में वापस दोनों आर्म्स को सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए और धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। अब इसी में हम गति को परफॉर्म करेंगे, यानी गत्यात्मक प्रसारिता पादुतानासन। जब भी हम किसी आसन को गति में करते हैं तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पहले से अधिक फास्ट हो जाता है और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो देखिए, इस आसन को हम गति के साथ कैसे परफॉर्म करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और एक्सहेलेशन के साथ पहले फॉरवर्ड बेंड में आएंगे। यहाँ पर हमें देखना है कि हमारी बैक अच्छे से सीधी हो और फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर पेंडुलम की तरह अपनी बॉडी को घुमाते हुए धीरे से पहले हेड को लेफ्ट साइड, फिर लेफ्ट साइड से ऊपर राइट फीट की तरफ, धीरे से सेंटर में, फिर यहीं से उल्टा राइट साइड ऊपर और लेफ्ट साइड की तरफ 2 से 3 बार घुमाएंगे अपनी बॉडी को अच्छे से। तो यहाँ पर घूमते हुए हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, पेट में कंप्रेशन को ला रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं और उसको रिलीज कर रहे हैं। और धीरे से इनहेलेशन के साथ सेंटर में वापस दोनों आर्म्स को साइडवेज। तो ये थे 5 आसन जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाए। इन आसनों का अभ्यास अगर आप इसी तरीके से रोज नियमित तौर पर करेंगे तो जरूर आप PCOD और PCOS की प्रॉब्लम को धीरे से रोज आप थोड़ा थोड़ा क्योर करते जाएंगे। सो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही यूजफुल योगा के ऊपर वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।